नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 देशों की कंपनियां हमारे भारत में निवेश करने जा रही हैं। ये करीबन 47,000 करोड़ का निवेश करने वाली हैं ये कंपनियाँ। साथ ही में ये हमारे देश की 29 कंपनियों के साथ मिल करके काम करने वाली हैं, यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट्स खरीदे जाएंगे वो लोकल मार्केट से खरीदे जाएंगे, यानी कि वहाँ पर यूज़ होने वाले सारे कंपोनेंट्स ज़्यादातर इंडियंस ही होंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपड़ों का व्यापार होगा, जूते चप्पल का व्यापार होगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें भी निर्माण की जाएंगी, हार्डवेयर से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से कंपनियाँ आ रही हैं और भारी लागत के साथ निवेश करने वाली हैं, और इससे कितना रोजगार सृजन होगा जानेंगे हम इस वीडियो में सारी जानकारी। तो आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 10,000 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा रेलगढ़ परिवार कितने मेंबर्स का हो चुका है, तो उसके लिए मैं आज से अपने सब्सक्राइबर अनवाइट कर दूंगा जैसे ही आप लोग इस वीडियो में 10,000 लाइक कम्प्लीट कर देते हैं। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होने वाला है हमारे इंडिया के लिए, जहां पर 28 विदेशी कंपनी हमारे देश की 29 कंपनियों के साथ मिल करके काम करने वाली हैं। दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, वहीं हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या फिर कह लें आत्मनिर्भर भारत बनने में, बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 28 विदेशी कंपनियां निवेश करने वाली हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली हैं। यहां पर खबरों के मुताबिक माने तो विदेशी कंपनियां 46,501 करोड़ का निवेश करेंगी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों ने टारगेट किया है उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे के पास अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर ज़्यादा फिक्स नहीं है, ये सारी कंपनियों ने टारगेट तो किया है उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर उनको ज़्यादा फायदे दिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनको लैंड्स वगैरह नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो ये भारत के किसी और स्टेट में भी काम कर सकती हैं। लेकिन इन कंपनियों का पूरा टारगेट है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य। आइए दोस्तों जानते हैं कि किस किस देश से यहाँ पर कंपनियाँ आ रही हैं और कितने करोड़ का निवेश आखिरकार करने वाली हैं। तो यहाँ पर कनाडा बेस्ड 2 कंपनियाँ आ रही हैं जो कि 1746 करोड़ का निवेश करने वाली हैं। जर्मनी बेस्ड 4 कंपनियाँ आने वाली हैं जो कि 300 करोड़ का निवेश करने वाली हैं, और हांगकॉन्ग बेस्ड 1 कंपनी आने वाली है जो कि 1,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। जापान की 7 कंपनी आने वाली हैं जो कि 2,000 करोड़ का निवेश करने वाली हैं। सिंगापुर की बात करें तो 2 कंपनियां आने वाली हैं जो कि 1,600 करोड़ का निवेश करेंगी। वहीं पे यूके बेस्ड 3 कंपनी आने वाली हैं जो कि 1,375 करोड़ का निवेश करने वाली हैं। वहीं पर बात करें USA यानी कि अमेरिका से 5 कंपनियां आ रही हैं जो कि 309 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, और बात करें कोरिया की 4 कंपनियां आ रही हैं जो कि 928 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। दोस्तों खास बात इस प्रोजेक्ट की ये बताएं तो जो उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ से ना जाने की कसम खा ली है, और जो भी उनसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो सारे कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जब MOU साइन किया था इन चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ें कही थी कि करीबन इस व्यापार से 9.5 लाख नौकरियों का उत्सर्जन पैदा होगा, जो कि एक बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होने वाला है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठा लिए हैं, इन कंपनियों को हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी हालत में। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही हैं, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें और भी बताई जाएंगी, तो टाइम टाइम पे आपको वीडियोस ज़रूर मिलते रहेंगे, किसी भी हालत में आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे इससे रिलेटेड अगर कोई और बड़ी जानकारी आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तो वीडियो का जो लाइक एम है 10,000 का, प्लीज़ उसको कम्प्लीट कर दीजिएगा। और जैसे ही 10,000 लाइक कम्प्लीट होते हैं मैं भी अपने सब्सक्राइबर अनवाइट कर दूँगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर हमारी रेलगढ़ फैमिली कितने मेंबर्स की हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।